सुप्रीम कोर्ट में कुरान की 26 आयतों को हटाने से संबंधित याचिका दाखिल करने वाले शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी के खिलाफ देश भर के मुस्लिम लामबंद हो गए हैं। शुक्रवार दोपहर कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद के नेतृत्व में फ्रेंड्स क्लब के युवाओं ने राजधानी के जिंसी चौराहे पर नारेबाजी करते हुए वसीम रिजवी का पुतला फूंक कर अपना विरोध दर्ज करवाया। इस मौके पर वार्ड 42 के भावी पार्षद प्रत्याशी भाई जावेद मंसूरी अपने युवाओं के साथ मौजूद रहे और अपना विरोध दर्ज करवाया। भोपाल से ताहिर खान की रिपोर्ट। केंद्र सरकार को चाहिए कि तत्काल उसको गिरफ्तार करे, उस पर कार्रवाई करे। आज हम लोगों ने यहाँ पे इसका विरोध में प्रदर्शन कराए, इसका पुतला जलाया और मैंने अभी भोपाल कोर्ट में एक आवेदन कराया कि इसके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी होना चाहिए, क्योंकि ये एक भावनाओं को ठेस पहुँची है सभी इस्लाम को मानने वाले को। और मैं बीजेपी से एक सवाल आपके माध्यम से करना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को तत्काल इस पर निर्णय लेना चाहिए कि क्या एक धर्म के बारे में बार बार टिप्पणी करना, उसको परेशान करना, उसके लिए अनैतिक शब्दों का प्रयोग करने के बावजूद वो अपनी पार्टी का उसको सदस्य मानते हैं। और अगर मानते हैं तो ये हम मान लें कि देश में, तो मैं व्यक्तिगत मानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी देश में दुर्भावनावश एक समाज को प्रताड़ित कर रही है, लेकिन क्या ये स्वीकार करेंगे उनके अध्यक्ष कि इस तरह के वो उनको प्रोत्साहित करके उनको बढ़ावा दे रहे हैं? क्या लगता है अगर इस तरह से उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी, अब अध्यक्ष ने कोई फैसला नहीं लिया तो ये प्रदर्शन कहाँ? मैंने प्रदर्शन तो सब जगह होना चाहिए, गैरतमंद लोगों को तो आज निकल कर आ जाना चाहिए। क्यों चुप बैठे, क्यों अपना संविधान का अपना दायित्व का पूरा करें ना, क्यों संवैधानिक दायित्व है विरोध करने का। मैं आपके माध्यम से कहता हूँ गैरतमंद लोगों को कि आप लोग निकलें और बाहर इसका विरोध करें और याचिकाएं लगाएं, थानों में दरखास्तें दें। सबको अपने अपने थानों में दरखास्त देना चाहिए। मैंने तो भोपाल न्यायालय में आवेदन दे दिया, क्योंकि मुझे मालूम है कि भोपाल पुलिस भारतीय जनता पार्टी की कठपुतली है, वो काम नहीं करेगी, इसलिए मैं सीधा न्यायालय चला गया हूँ और इंशाल्लाह जल्दी इसको अरेस्ट वारंट जारी कराऊंगा। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।